तो यार लास्ट सैटरडे में इंडियन गेमिंग शो 2017 में गया था। इससे पहले कि तुम लोग स्पेकुलेट करने लगो कि मैं गंजा हो गया हूँ, नहीं तो हमेशा की तरह मेरे नाई ने मेरे बालों की ऐसी तैसी कर दिया है, तो भैया थोड़े दिनों तक तेरी टोपी रहेगी मेरे सर पे, और नहीं मैं अपने बाल नहीं दिखाऊंगा। तो भाई जैसे ही हम वहाँ पर घुसे ना, पहले तो मेरे को ये लगा कि हम इंडिया के बाहर आ चुके हैं, हम विदेश जा चुके हैं, विदेश बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के। वहाँ पे स्टार्टिंग में एक बड़ा सा स्टेज लगा हुआ था और वहाँ पर एक होस्ट था जो हमेशा की तरह अपनी बकचोदी दे रहा था, और वहाँ पर एक गेमिंग इवेंट चल रहा था। गेम का नाम तो मेरे को सही से पता नहीं, लेकिन शायद वो गेम कोई आर्केड गेम थी जैसे टेकन और मोर्टल कॉम्पैक्ट वगैरह। उसके बाद जैसे जैसे हम अंदर घुसे ना, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमने देखी वो था प्ले स्टेशन जोन। अब प्ले स्टेशन जोन में सोनी वाले अपने प्ले स्टेशन प्रो और प्ले स्टेशन VR का डेमो दे रहे थे। और मैंने प्ले स्टेशन VR पर रेजिडेंट ईवल बायोहेजार्ड का डेमो खेला था। पूरी वीडियो मैं थोड़े दिनों में डाल दूंगा, ये रही उसकी छोटी सी फुटेज। नहीं 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 ये आवाज मेरे को अच्छी नहीं लग रही। क्या है, कौन है? पागल हो रहा है। प्ले स्टेशन जोन से निकलकर हमने देखा सैमसंग जोन, और सैमसंग जोन में सैमसंग वाले अपने कर्व टीवीज का डेमो दे रहे थे, और उनके कर्व टीवीज काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कि वो ऐसे भी घूम जाते हैं और ऐसे भी घूम जाते हैं। यार ये टेक चैनल नहीं है, मैं सीधी बात बताता हूँ, उन्होंने 6 टीवी लगा रखे थे और 6 के 6 पे एक ही गेम चल रही थी और वो बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो उसके बाद मैंने और मेरे दोस्त ने मोर्टल कॉम्पैक्ट एक्स खेली जिसमें मैं जीता ऑब्वियसली। मोर्टल कॉम्पैक्ट एक्स खेलने के बाद हमने खेली फ्रूट निंजा VR क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है। अब आओ तुम लोगों को कुछ गेमिंग रिग्स दिखाता हूँ। पर गेमिंग रिग्स ऐसे ऐसे थे कि भाई मेरे को तो लग ही नहीं रहा था कि कंप्यूटर है। अबे भाई लिक्विड कूलिंग वाले गेमिंग रिग्स, किसी में पानी चल रहा है, किसी में तेल चल रहा है, किसी में दूध चल रहा है। उसके बाद हम हाइपर एक्स जोन में गए जहाँ पे उन्होंने हमेशा की तरह अपनी रैम्स लगा रखी थी। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके जापानीज जोन में जाने लगे। जापानीज जोन में कोनामी सेगा वगैरह वाले आए हुए थे। अब तुम्हें लग रहा हो कि मैं फुटबॉल फील्ड में कहाँ से आ गया, लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखो ये तो ये फुटबॉल फील्ड नहीं है, ये पेस का जोन है। पेस वाले ने अपना जोन बहुत ही अच्छा बना रखा था और वहाँ पर फोटोज खींचने के लिए बहुत अच्छी जगह थी, तो अगर तुम लोग वहाँ पर गए और तुमने फोटो नहीं खिंचवाई वहाँ पर तो तुम पागल हो। पेस जोन से निकलने के बाद हम धीरे धीरे करके जापान में घुसते जा रहे थे, जैसे कि ये वाली सेगा की गेम जिसका नाम मेरे को पता नहीं क्योंकि वो जापानीज में लिखा था और शायद इंग्लिश में भी लिखा हो तो मैंने पढ़ा नहीं था, लेकिन भाई तुम आवाज़ें सुनो यार, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा तुम जापान में आ गए हो। और एक बात है जो मैंने अभी तक नहीं बताई वो ये है कि वहाँ पर बहुत अच्छे लोग कॉस्प्ले भी कर रहे थे, जैसे कि इस जापानीज औरत को देखो जो गाना गा रही है। और ये आदमी है जो वहाँ पर डंक मारने वाला मच्छर बना हुआ था, मेरे को पता नहीं क्या है, एनीवे देखता नहीं हूँ मैं। उसके बाद जापानीज जोन से निकलते हुए हम लोग घुसे स्क्वायर इनिक्स जोन में। स्क्वायर इनिक्स जोन में 3 गेम्स थी जो उनकी हाईलाइट पर थी, वो थी फाइनल फैंटेसी 15, हिटमैन और टूम रेडार।
हेलो गाइस, वेलकम टू टेक टॉकीज। और आखिर में वहाँ पर हमारा यूट्यूब मनी वाला कैरी मिनाटी भी आया था। उसके साथ एक कंपटीशन लगा सकते थे हम लोग सी एस गो का, जिसमें तुम्हें उसके वर्सेस खेलने को मिलता, लेकिन हमने वो करा नहीं क्योंकि वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी।